नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। स्टूडियो में हम आपको बहुत ही प्रेजेंट कर देंगे झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या सम्मान योजना के बारे में। इसमें बहुत ही बड़ा अभी जस्ट अपडेट्स किया गया इस पोर्टल को। अब आपका आवेदन ऑफलाइन एंट्री किया जाएगा, ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा। अब ऑफलाइन एंट्री में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट हैं, आवेदक रहेंगे, उनको यहाँ पे रहने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म अपना जमा करके प्रज्ञा केंद्र में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि बैच एंट्री ऑफलाइन ऑप्शन दिखेगा और आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको अब पहले क्या होता था कि पहले आधार नंबर डालने के बाद आपका सारा डिटेल्स, आधार से संबंधित सारा डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक आ जाता था, लेकिन अब आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप करना होगा। आधार नंबर टाइप करना होगा, आवेदक का नाम टाइप करना होगा, उसका पति या पिता का नाम टाइप करना होगा, उसका ग्राम मोहल्ला ये सब टाइप करना होगा, जो कि पहले आधार के साथ डिटेल्स आपका ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर दिया जाता था, यानी कि आ जाता था, ठीक है। बायोमेट्रिक जैसे ही लगाते थे आपका यहाँ पे फेचिंग करके यहाँ पे डिटेल्स आपको अपडेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता था, आ जाता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे कि आधार नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है, 12 डिजिट का। इसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे उसका पति पिता का नाम टाइप कीजिएगा, उसका पता टाइप कीजिएगा। ये सब डिटेल्स जो है वो आधार से जो लेता था वो अब आपको खुद से टाइप करना है, यानी कि अब अंगूठा लगाने की, फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा और आप अपने आ जाइएगा। तो इससे बेनिफिट तो है ही, लेकिन कुछ मुझे नुकसान भी दिख रहा है, क्योंकि कई लोगों का नाम गलत हो जाएगा, मोबाइल आधार नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई सारे समस्या भी है, लेकिन कई सारे आपको बेनिफिट जो भी लग रहा होगा कि अब लोगों को रहने की आवश्यकता नहीं। और इस पोर्टल पर दूसरा जो अपडेट्स किया गया, यहाँ पे आपको घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होगा। घोषणा पत्र यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना और अप्लाई पे क्लिक करना है। आपको 100 KB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। दो यहाँ पे अपडेट्स किए गए हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।